का पर्व मुस्लिम समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, जिसमें आस्था के मुताबिक शेर बनना कोई नियम नहीं है। लेकिन अन्य समाज के लोग मुस्लिम धर्म के विपरीत जाकर शरीर पर रंग लगाकर शेर का रूप धारण कर लेते हैं और डीजे के साथ शहर में जुलूस निकाले घूमते हैं। इसका इस्लाम धर्म से किसी तरह का कोई आस्था या सरोकार नहीं है। यह क्रियाकलाप इस्लाम धर्म के विपरीत हो रहा है, जिसके चलते सुन्नी मुस्लिम युवा संगठन डोंगरगढ़ के सदस्यों ने SDM को ज्ञापन सौंपकर मुहर्रम के नाम पर चल रहे डीजे धुमाल, लोगों का शेर बनना, अवैध हथियार लेकर घूमना ऐसा करते देखा जा रहा है। सुन्नी मुस्लिम संगठन का कहना है कि इस तरह के कृत्य में मुस्लिम समाज में नहीं होता है। अगर कोई बड़ी घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी मुस्लिम समाज की नहीं है। सर, ये मुहर्रम का महामुहर्रम का महीना है सर, इसमें अदर कौम के लोग अपने शरीर पर रंग धारण करके शेर का रूप लेके हमारी आस्था मतलब दरगाह वगैरह में जाते हैं और धारदार औजार लेके बाजा गाना साउंड के सिस्टम के साथ इन लोग पूरे शहर में आते हैं और नाचते हैं। इसीलिए हम मुस्लिम युवा संगठन ज्ञापन देने आई है सर, और इन्हें मना करते हैं तो ये मानते नहीं है और नशे पे रहते हैं लोग, नशे पे चूर रहते हैं, दारू वगैरह भी पिए रहते हैं लोग, और इन्हें मना करते तो ये धार्मिक पर अगर किसी का कुछ हो रहा है, किसी का नुकसान हो रहा है तो हमारी इस्लाम से और मुसलमानों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। कल को अगर कुछ होगा तो हम इसके जिम्मेदार नहीं होंगे, ये आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। तो मुहर्रम का त्यौहार होता है, उनका धार्मिक त्यौहार होता है, इसमें क्या जुलूस निकलता है तो कुछ व्यक्तियों द्वारा क्या बोलते हैं शेर बनकर, है ना, वो मतलब उसमें जो भी कर्तव्य वगैरह दिखाए जाते हैं उनका ये कहना है कि वह उनके समाज से नहीं है, है ना, तो इसका मतलब वो विरोध कर रहे हैं और ऐसा मतलब भविष्य में ना हो इसके लिए वो प्रशासन के पास आए हैं और प्रशासन चाहेगी कि मतलब ऐसा कुछ होता है तो उसको